और एक चीज बताइए, हमारे पीएम जो विश्व के सबसे शक्तिशाली इंसान है, उनको ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बोला है माय बॉस, क्या करें? भाई साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा विरोधियों के लिए, मोदी जी भारत में रहते हैं, भारत छोड़ दो। कि इंडिया के जो केजरीवाल हैं, जो फ्री फ्री के चक्कर में लोगों ने उनको सिंहासन पे बैठा रखा है, सब कुछ लेकर के अपने बच्चे को एक शीश महल में सुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, और वो जनता जो रोड पे थे आज रोड पे ही है। तो इनको विरोध मोदी जी का नहीं है, इनको विरोध है भारत की बढ़ती शक्ति का। अब हिंदुस्तान के द्वारा बनाए गए, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा बनाए गए संसद में हम डिबेट करेंगे, देश की बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस दोनों विरोध कर रही है और कह रही है कि दलित विरोधी मोदी सरकार है। एक राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके हाथों से नहीं करके जो है दलित विरोधी का संकेत दे रही है, आपको क्या कहना है? पहली बात तो ये कि जब ये लोग कहते हैं कि दलित विरोधी, तो जब यशवंत सिन्हा जी को इन लोगों ने सपोर्ट किया था मुर्मू जी के खिलाफ, जब मुर्मू जी को यहाँ पे बीजेपी ने राष्ट्रपति का कंटेस्ट बना करके उनको इलेक्शन में खड़ा किया, तो इन लोगों को तो एकदम से वोट करना चाहिए था मुर्मू जी को, क्योंकि वो आदिवासी हैं, सपोर्ट करना चाहिए। तुम इतने बड़े हितैषी हो तो तुमने सपोर्ट क्यों नहीं किया, पहले तो ये जवाब दो। ये नौटंकीबाजी है बस। और एक चीज़ बताइए, हमारे पीएम जो विश्व के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बोला है माय बॉस, मतलब उसके बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला है कि मैं आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। इतना शक्तिशाली पीएम, और वो अगर कोई अंग्रेज के टाइम के निशानी को मिटा करके अगर हिंदुस्तान को एक संसद देना चाह रहे हैं। और इन विपक्षियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर बहिष्कार कर रहे हो, इतने ही सच्चे हो ना, तो जब इलेक्शन आएगा तो मत लड़ना, और सिर्फ बीजेपी वाले जो अभी जाएंगे उन्हीं को लड़ने देना और उन्हीं को देश चलाने दो, तुम काबिल भी नहीं हो। मतलब ये क्या बकवास वाली बातें कर रहे हो, हर चीज़ का विरोध करना है, सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है क्योंकि वहाँ पे मोदी जी हैं। इतनी नफरत है ना, तो तुम मोदी जी के बगल में क्यों बैठते हो संसद में अगर इतनी नफरत है? ये देखो, मोदी से नफरत करते करते आज संसद, राष्ट्रपति, उसके बाद में देश के लोगों से भी नफरत करने लग गए हैं ये लोग। मतलब मुद्दा कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारे काम इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं ये लोग, देश की तरक्की इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी पर तो कोई अपोज कर नहीं पा रहा है, सारे जितने भी पॉलिसी बन रहा है वो देश के हित में बन रहा है। अब विरोध किस चीज़ का करें, तो मोदी जी को गाली दो, अमित शाह जी को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, और ये गाली देते 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 कभी सेना को गाली दे दो, कभी देश के लोगों को गाली दे दो, ये सच्चाई है। क्या उम्मीद करोगे? आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी विरोध हो रहा है, राजनीति में विपक्ष की भूमिका भी होती है कि विरोध करे, लेकिन उसके चक्कर में कहीं लग रहा है कि विपक्ष देश का विरोध कर रही है अब? सर इसके बहुत सारे एग्जांपल है ना आपके सामने, जब सेना आपकी सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है, कहती है सबूत दिखाओ भाई, वो कहते हैं सिर्फ वहाँ पे पेड़ उखड़े थे, वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब पाकिस्तान उस लाइन को उठा करके पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ फैलाता है कि देखो जी हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के जो केजरीवाल हैं, जो फ्री फ्री के चक्कर में लोगों ने उनको सिंहासन पे बैठा रखा है, उनका स्टेटमेंट जाता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। तो इस तरीके के लोग, और कांग्रेस तो है ही, देखो कांग्रेस के भी जो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम विरोध मत करो, अगर किसान कानून में कुछ कमियां थी उसको लेकर आप विरोध करो, ठीक है, लोग आपके साथ है, लेकिन जो चीज़ अच्छा देश में हो रहा है, जहां पे अंग्रेज के निशानी को मिटाया जा रहा है, मुगलों ने जो देश को लूटा था उसके निशानी को मिटाया जा रहा है, तो उसका भी आप विरोध कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको विरोध करना है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो ये चीज़ तो लोगों को पता है, जनता को पता है, सब आज समझदार है, सब पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। सर सब लोग मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ चट्टान के साथ खड़े हुए हैं हर एक डिसीजन पे, क्योंकि वो देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं 24/7। आज के टाइम पे कौन किसके लिए काम करता है, हर एक नेता अपने घर के परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए काम करता है। आज अरविंद केजरीवाल जो कहते थे ना मैं गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना बंगला लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, आज सब कुछ लेकर के अपने बच्चे को एक शीश महल में सुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, और वो जनता जो रोड पे थे आज रोड पे ही है। लेकिन वो एक माँ का बेटा जो अपनी माँ की भी अर्थी उठाता है ना, तो वो अर्थी उठाने के बाद में सीधा संसद भवन आता है और यहाँ पे दिल्ली में कामकाज देखता है। तो जनता तो जानती है ना कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। ड्रामेबाजी करने से नहीं होने वाला है, देश की जनता समझदार है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। सर आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए जब संसद भवन का जो है उद्घाटन की बात हो या फिर ऐसे जब इवेंट होते हैं, आपको लगता है इसमें जातिवाद का मुद्दा उठाना कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए जाति पाति का तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनका भी ये मन है कि इसका जो उद्घाटन है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट मोदी जी ने अपने अंडर में रह करके उनको एक तरीके से सारा कुछ करवाया है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति मुर्मू जी का भी ये मन है और मोदी जी कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है?
क्या दिक्कत क्या होने वाली है? क्या उसमें और लोग आकर के, और विपक्षी लोग आकर के नहीं बैठेंगे? सारे लोग बैठेंगे देश के, आप चर्चा करो उसमें। तो आपको और आन बान शान और अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संसद था हम उसमें नहीं बैठ करके अब हिंदुस्तान के द्वारा बनाए गए, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा बनाए गए संसद में हम डिबेट करेंगे, देश की बात करेंगे। लेकिन वो नहीं करना है, सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए संसद में नहीं जाएंगे। आप चुनावी मत लड़ो ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 24 का जो इलेक्शन आने वाला है उसको भी बॉयकॉट कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी लड़ने वाले हैं। करेंगे नहीं करेंगे, तो ये समझने वाली बात है ना। अगर आप अगर आप इतने ही अच्छे हो 24, हाँ, क्योंकि हर चीज़ का विरोध हो रहा है। मोदी जी संसद में बैठेंगे तो मैं मोदी जी बनाया, मोदी जी अगर अब ये लोग क्या कह रहे हैं, मोदी जी ने जो बुलेट ट्रेन लेकर के आने वाले हैं उसमें हम लोग नहीं बैठेंगे। मोदी जी जो आज देश में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उस हाईवे पर हम नहीं चलेंगे। अभी मोदी जी ने वैक्सीन, मोदी जी के टाइम में वैक्सीन बना तो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अरे इतना क्या विरोध करना, इतना क्या नफरत करना। मोदी जी भी एक छोटे से गरीब परिवार से पैदा हुए और ऊपर आए हुए लोग हैं जो कि अपने पापा के साथ चाय बेचा करते थे स्टेशन पर, आज हमारे आपके बीच से उठ करके अगर देश का राजा और पीएम बने हैं, इतना क्यों उनको विरोध कर रहे हो? आप लोग सपोर्ट करना चाहिए। क्या करें, भाई साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा विरोधियों के लिए। मोदी जी भारत में रहते, भारत छोड़ दो, सबसे बढ़िया बात है, भारत छोड़ दो। अमेरिका का जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है वो मोदी जी का ऑटोग्राफ रहता है, अमेरिका को बॉयकॉट कर दो तुम। तुम ऑस्ट्रेलिया को बॉयकॉट कर दो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बोला कि यू आर द बॉस। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट भी आया है जो आज जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये उनकी स्पीच का हिस्सा नहीं था, ये उन्होंने पर्सनली उनके मन से बात आई थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब कोई पीएम अपनी स्पीच के दौरान स्पीच के हिस्से के अलावा मन से कोई बात बोलता है वो भी ऐसी, तो इनको विरोध मोदी जी का नहीं है, इनको विरोध है भारत की बढ़ती शक्ति का। अच्छा। इनको तो विरोध, सर एक बात बताए, इनको तो शेंगोल का विरोध है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म से जुड़ा है। सर सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है? अशोक स्तंभ के नीचे। किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? हमारे ग्रंथों से उठाया गया है। आप अशोक स्तंभ हटा दो, रॉ का क्या लिखा हुआ है? रॉ का टैगलाइन क्या है? धर्मो रक्षित रक्षा। रॉ को बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट हटा दो। इनके हिसाब से जहाँ पे हिंदू संस्कृति का कुछ लिखा है उस दिन को समझना पड़ेगा कि सनातनी है, सनातनी का देश है और हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक संस्कृति है जो भारत की संस्कृति है। इसको धर्म से नहीं भारत की संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। इनको तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को इस बात से कि शेंगोल को जो कि एक राजदंड था, हमारे आज़ादी की निशानी थी, हमें जो पावर मिला हमारे देश में वापस उसकी निशानी थी, उसको इन्होंने क्या बताया पूरी दुनिया को? हमारे हमें क्या इतिहास पढ़ाया गया? क्योंकि हमने तो वो इतिहास पढ़ाया जो झूठा था। वॉकिंग स्टिक ऑफ नेहरू, नेहरू जी की चलने की छड़ी, अरे वो छड़ी नहीं, वो राजदंड था जो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं ला सकते।